डेट 10th August 2020, Class 9, Subject Maths, Topic Circles, Chapter 10, Exercise 10.3. Date 10th August 2020, Class 9, Subject Maths, Topic Circles, Chapter 10, Exercise 10.3. Date 10th August 2020, Class 9, Subject Maths, Topic Circles, Chapter 10, Exercise 10.3. क्वेश्चन नंबर है 2. अब 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमें. टेन पॉइंट थ्री में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वो सर्कल को ड्रॉ करना था और ये उसमें बताना था कि कितने पॉइंट पे वे इसे काटते हैं, टच करते हैं, कॉमन पॉइंट कितने होते हैं उनके. अब 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उस दिन कुछ थ्योरम भी बताया गया था. क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर गिवेन ए सर्कल, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर. इसके सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन लिखना है. एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल के सेंटर को कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको करना है. सर्कल के सेंटर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल है, आप उसे ड्रॉ करेंगे. ये है सर्कल, इस सर्कल का सेंटर हमें पता नहीं है कहाँ पे है, ये हमें फाइंड करना है. इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस सर्कल के ऊपर है कोई 3 पॉइंट्स लेंगे, वो भी कोलिनियर या नॉन कोलिनियर. एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, ए बी सी. अब इनको ज्वाइन करते हैं, ए टू बी एंड सी टू बी. ज्वाइन करने के बाद है पेंसिल कंपास लेते हैं. पेंसिल कंपास लेने के बाद है हम क्या करते हैं, इसमें आधे से ज्यादा लेते हैं ये, और एक आर्क यहाँ पे लगा लेते हैं, आधे से ज्यादा लेकर दूसरा आर्क यहाँ पे लेते हैं, फिर यहीं पर रखकर इन दोनों आर्क को काट देते हैं उतने ही डिस्टेंस लेकर है, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं. सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक दूसरे जो लाइन सेगमेंट है इसका भी आधे से ज्यादा रहेंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, दूसरा यहाँ पे, इसी पर रख के इन दोनों को काट लेंगे. यहाँ पे काट लेंगे. अब क्या करेंगे, इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां तक ले जाए, जहां पे ये कट करे यही है सेंटर ऑफ द सर्कल, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. जहां पे दोनों लाइन के लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं उसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. तो लिखेंगे कैसे, कंस्ट्रक्शन में आप कैसे लिखेंगे,
first जो ये सर्कल है पीटी है पॉट है गिवन सर्कुलर मटेरियल जो सर्कुलर मटेरियल है उसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करने के बाद है कॉपी है उस पे ओनली पेज हो तो पेज पे कॉपी है तो कॉपी पे फिर टेक एनी थ्री नॉन कोलिनियर है circumference circumference of the circle say A B and C circumference of the circle C join A to B and B to C लिखते हैं Take a radius of a more than half. Apply segment AB. CD draw two arcs from point A and B Join two arcs with a line segment. Cuts AB at M and CD at N.
both fact each other at point C. Therefore, C is the center of the given circle. C जो है वो होगा सेंटर ऑफ दी गिवन सर्कल. तो आपने कैसे ड्रॉ करा है ये आपको लिखना है. डायग्राम जो आप ड्रॉ करोगे वो पेंसिल से होना चाहिए, बाय चांस कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप उसे ठीक कर सकते हो. तो आप कोशिश करना कि ये अच्छी तरह होना चाहिए, तभी आप का सही से डायग्राम ड्रॉ होगा, आप उसे अच्छी तरह लिख सकते हैं. तो कोई भी सर्कल हो, अगर गिवन सर्कल है जिसका सेंटर हमें पता नहीं है, तो सेंटर फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं. तीन है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं, उनकी सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल के ऊपर है, और है तीनों को पहले दो दो पॉइंट को मिला लेते हैं कंपास की हेल्प से. रेडियस लेते हैं मोर देन हाफ है, और आर्क लगाते हैं अपर एंड लोअर पार्ट में एक लाइन सेगमेंट से, दूसरे से भी सेम ऐसे ही अपर और लोअर में ड्रॉ करते हैं. फिर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल. वही पॉइंट है सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल का. टेन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री. थ्री है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट. अगर दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोर. हमें प्रूव करना है कि उसके जो सेंटर है वो कॉमन कोर के परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर पे लाई करता है. बाइसेक्टर हो गया टू इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करते हैं. तो ये हमें प्रूव करना है. एक ये सर्कल है, दूसरा एक और सर्कल है, को कर लेते हैं दूसरे को वोटेस.
क्या डायग्राम? क्वेश्चन है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, ये दो सर्कल है, एक का सेंटर वो है, दूसरे का ओ डैश है, ये दोनों को, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पे काटते हैं, टू पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, उनका जो कॉमन कॉर्ड एबी है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे उनका सेंटर है, लाइज है। गिवन है, पहले आप लिखोगे तो गिवन है, टू सर्कल्स विद सेंटर है कट ईच अदर, एट पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट पे काटते हैं, तो प्रूफ ओ एंड ओ डैश लाई ऑन दी परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ एबी, एबी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लाई कर रहे हैं, दोनों सेंटर है, ये प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, ड्राइंग ड्राइंग कर दिए, ओ से ए, ओ से बी, ओ से ओ डैश, ओ से ओ डैश सभी, अब आप कैसे क्या कर सकते हैं, ये कोई एक आप ले सकते हो, कोई एक सर्कल से ये कॉमन कोड को आप कर सकते हो, देखो आप कैसे लोगे, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल है ए ओ एम एंड बी ओ एम, एंड ट्रायंगल बी ओ एम में क्या है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ एम इक्वल टू ओ एम, और इसमें एक है, अगर ये दोनों इक्वल है इनके एंगल भी इक्वल होंगे, वो भी है एंगल है वो ही है, वो एम बी
लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, कॉमन अपोजिट एंगल ऑफ है इक्वल साइड, इस तरह ये दोनों ट्रायंगल हो गया, ए ओ बी कंग्रुएंट ट्रायंगल है, बी ओ एम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंसी, देयरफॉर है एम इक्वल टू एम बी सी पी सिटी, सही है आपका एम और एम बी, इट मीन्स ए बी जो है इसको ये बाइसेक्ट कर रही है या दोनों लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन एम और एम बी। अब हमें क्या करना है, एंगल ओ एम बी सिमिलरली दूसरे से भी करेंगे तो यही आएगा, यहां लिख सकते हो फ्रॉम ए से भी करेंगे तो यही आएगा। अभी देख लो ये दोनों साइड, ये तो दोनों एंगल है आपस में इक्वल है, वन एट्टी डिग्री लीनियर पेयर, हमें इक्वल टू 180 डिग्री बाई में टू 90 डिग्री, ओ एम इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ओ एम ए प्लस एंगल इक्वल टू ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस सेंटर्स ऑफ सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इसे शॉर्ट मेथड अगर आपको आता हो, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ये कॉर्ड है भी, इसका बाइसेक्टर पहले, इनको बाइसेक्टर में पहले इसे इक्वल करना है, और जहाँ पे ये बाइसेक्टर है, जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं लाइन, उसको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर भी हो गया, बाइसेक्ट कर दिया वो भी हो गया इसमें, इसके अलावा ये हमारा प्रूव हो गया। तो दोनों सेंटर जो है ये लाई करते हैं ओ एंड ओ डैश लाई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई आर्क दिया हो तब
अभी हम सर्कल को कंप्लीट कैसे करते हैं? आर्क में वही नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे, अगर अपोजिट में है तो उनके बीच में पॉइंट ले लेंगे और बीच में पॉइंट लेकर के हम उसे भी प्रूव कर सकते हैं इसमें बीच में पॉइंट लेकर के इसके, तो आर्क के द्वारा भी हम सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर गिवन सर्कल है तो उसका सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये थ्योरम है, इसे हम इस तरह प्रूव करते हैं। इसके अलावा और भी कई मेथड है, अगर आपसे इससे छोटा है बेशक आप कर लेना, तो उसे भी आप कर सकते हो, ऊपर नीचे ले सकते हो, दोनों ऊपर का दोनों नीचे का कैसे भी आप करके कर सकते हो, क्योंकि ये भी सर्कल का रेडियस है वो भी रेडियस है, तब भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसके प्रूफ के कई मेथड होते हैं, जो मेथड आपको सही में समझ में आ जाए उसी मेथड का यूज़ करने की कोशिश करना, दूसरा नहीं। तो एक ये थ्योरम था इसमें, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सिलेबस में आपकी बात नहीं है इसलिए इसे नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेज में एक थ्योरम था 10.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल है, सर्कल इज टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड है टू परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं सब कुछ आपने, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर है वो क्या करता है कि कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट से में डिवाइड करता है और परपेंडिकुलर भी होता है, इनमें कई होते हैं। तो 10.3 के सेंटर से जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो लाइन बाइसेक्टर को, वो जो लाइन जो है वो बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में और वे परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब 90-90 डिग्री के होते हैं। अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है उन दोनों एंगल को प्लस करके 180 कर लेना है लीनियर पेयर, फिर आप आगे प्रूफ कर सकते हैं, 90 आते ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इस तरह है। इसके अलावा 10.3 एक्सरसाइज में टोटल जो है ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है पहले करवा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी बोर्ड पे करवा दिया गया, ये आपके फेयर कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। जो डायग्राम ड्रॉ करना है थ्योरम का ध्यान रखना, वे डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से नहीं, पेंसिल से ड्रॉ करोगे अगर वो मिस्टेक हो जाता है, अगर मिस्टेक हो जाता है तो हम उसे दोबारा रब करके ठीक कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करना जितने भी इसमें डायग्राम है वो सभी डायग्राम, जितने भी डायग्राम है वे सभी डायग्राम आपका होना चाहिए पेंसिल से ड्रॉ। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, अब आप अपने कॉपी में इसे कंप्लीट कर लेना, 10.3 तक है सभी का हो जाना चाहिए, 10.3 तक किसी का रहना नहीं चाहिए। तो 10.3 कंप्लीट हो जाना चाहिए।